हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत का भूगोल के अंतर्गत सिंचाई एवं नहरों के बारे में जानेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे, तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। भारत की स्थिति उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्व असम, मेघालय और दक्षिण के कुछ भागों को छोड़कर देश का अधिकांश क्षेत्र उच्च तापीय मंडल में समाहित है। ऊंचे तापमान से अधिक वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन होता है, अतः बोई गई फसलों हेतु मृदा में नमी की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत में सिंचाई के लिए विभिन्न साधन है। स्टैटिस्टिकल ईयर बुक इंडिया 2018 के अनुसार वर्ष 2014 से 15 के आंकड़ों के आधार पर देश में सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप हैं, जिनका शुद्ध सिंचित क्षेत्र में लगभग 46.2% का योगदान है। नलकूप और अन्य कुओं को जोड़कर शुद्ध सिंचाई क्षेत्र की प्रतिशत मात्रा 62.82% आती है। नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि 23.66% तथा टैक्स द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि लगभग 2.52% है। शेष 11% में अन्य साधन सम्मिलित हैं। देश में सिंचाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम, मध्य प्रदेश का द्वितीय एवं राजस्थान का तृतीय स्थान है। भारतीय सिंचाई परियोजना को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है लघु सिंचाई परियोजना, इसके तहत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसमें कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल, एनिकेट आदि शामिल किए जाते हैं। भारत की सिंचाई की लगभग 62% की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजना से होती है। अब दूसरा है मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, इसके तहत 2000 से 10000 हेक्टेयर तक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। अब तीसरा है बृहद सिंचाई परियोजना, इसके तहत 10000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं से देश की 38% सिंचाई की आवश्यकता पूरी होती है। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्था में से एक गंग नहर है। इसका निर्माण वर्ष 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराज श्री गंग सिंह ने कराया था। यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनवाला से निकाली गई है। पूर्वी जमुना नहर यमुना नदी के बाएं तट से ताजेवाला के निकट से निकलती है। मुख्य नहर की लंबाई 197 किलोमीटर है। इस नहर प्रणाली द्वारा हिंडन, यमुना दुआब के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ व गाजियाबाद जनपदों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस नहर प्रणाली में जुलाई से पानी की कमी होने लगती है एवं अक्टूबर आने तक तो इस नहर से जलापूर्ति शून्य हो जाती है। इस समस्या के समाधान हेतु ताजेवाला से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर हथनी कुंड बैराज हरियाणा का निर्माण कराया गया है। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1842 ईस्वी की अवधि में कराया गया। इस परियोजना के जनक सर पीटी काटले थे। यह नहर हरिद्वार के भीमगौड़ा नामक स्थान से गंगा नदी के दाहिने तट से निकलती है। मुख्य ऊपरी गंगा नहर की लंबाई 298 किलोमीटर तथा नहर प्रणाली की कुल लंबाई 6496 किलोमीटर है। इस नहर प्रणाली द्वारा हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा जनपदों में सिंचाई सुविधा
उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के शारदा या घाघरा दुआब में अवस्थित पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज जनपदों में सुरक्षात्मक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जनपद नैनीताल की खटीमा तहसील में बनवासा के पास शारदा नदी पर एक बैराज का निर्माण कर इसके दाहिनी ओर से शारदा मुख नहर निकाली गई है। मुख नहर की लंबाई 44.3 किलोमीटर है तथा शारदा नहर प्रणाली का कुल लंबाई 9961.3 किलोमीटर है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा बुलंदशहर में है। इसका निर्माण कार्य 1878 ईस्वी में पूरा किया गया। मुख्य नहर की लंबाई 98.8 किलोमीटर तथा पूर्व नहर प्रणाली की लंबाई 8278 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास मार्च 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। इसका उद्गम पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बांध है। यह विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मील लंबा बैराज बनाया गया है जिसमें कुछ नहरें निकाली गई है। फड़क्का बैराज का निर्माण 1775 ईस्वी में हुगली नदी में सिल्ट जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। इस बैराज के दाएं किनारे से निकाली गई नहर द्वारा गंगा नदी के 40,000 क्यूसेक जल को हुगली नदी की ओर मोड़ दिया गया है। यही इसकी जल वहन क्षमता होगी। केरल के पलक्कड़ जिले में चेरुकुनम पूजा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना निर्मित है। यह मंगलम की सहायक एवं भरत पूजा की उप सहायक नदी है। यह बांध वर्ष 1966 में निर्मित हुआ। अब आगे है माला नहर तंत्र को कैप्टन दीन सौ जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था, जबकि नदी जोड़ने का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्व रमैया ने किया था। बाद में केएल राव का नाम भी इसमें जुड़ गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 27 जनवरी 2003 को जल संग्रह से संबंधित विकास योजना हरियाली का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य देश में जल संभर विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में वित्तीय और प्रशासनिक रूप से पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना है। वर्ष 2014 से 15 के आंकड़ों के अनुसार भारत में निवल बुआई क्षेत्र लगभग 140.13 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 48.80% क्षेत्र पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करने और हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 1 अप्रैल 2008 तक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 3 वाटर शेड विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए। ये कार्यक्रम है समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों को एक व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया जिसमें समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मृदा, जल और वनस्पति जैसे अवक्रमित प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, संरक्षण और विकास करके
पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना है। इसके परिणाम स्वरूप मृदा ह्रास पर रोक लगाती है। अब आगे है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि चट्टानी होने के कारण यहाँ नहरों एवं कुओं का आसानी से निर्माण संभव नहीं होता। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, जिसके कारण नहरों में पानी का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में विद्यमान है। भारत के राज्यों के सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब, फिर मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश एट ए ग्लेंस 2018 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत विवरण में नलकूप, नहर, कुआं, टैक्स एवं झील तथा अन्य साधन है। नलकूपों द्वारा सिंचाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होती है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में बतलाया गया है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। वहीं कारण आर में बतलाया गया है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी है। तो इसका उत्तर है ए, अर्थात दोनों ए तथा आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि चट्टानी होने के कारण यहाँ नहरों एवं कुओं का आसानी से निर्माण संभव नहीं होता। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी है, जिसके कारण नहरों में पानी का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में विद्यमान है। अब अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका उत्तर है बी, अर्थात देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं हैं। वर्ष 2014 से 15 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में देश में सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप हैं, जिनका शुद्ध सिंचित क्षेत्र में लगभग 46.2% का योगदान है। नलकूप और कुओं को जोड़कर शुद्ध सिंचित क्षेत्र की प्रतिशत मात्रा 62.82% आती है। नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि 23.66% तथा टैक्स द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि लगभग 2.52% है। शेष में अन्य साधन सम्मिलित हैं, अतः कथन भी सही नहीं है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांश सर्वाधिक है। तो इसका उत्तर है हरियाणा। अब अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है। तो इसका उत्तर है पंजाब। प्रश्नकाल में दिए गए विकल्पों में भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य पंजाब है। वर्तमान में उपयुक्त विकल्पों में उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है। अब अगला प्रश्न है, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर सी, अर्थात केवल एक और तीन, अर्थात मृदा से उर्वरक या पोषक हानि कम की जा सकती है, और तीसरा इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जलस्तर को कम होने से रोका जा सकता है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है। इसमें जल के उपयोग एवं अपेक्षाकृत कम प्रयोग के कारण उन क्षेत्रों में जहां अधिकांशतः नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है भौम जलस्तर को कम होने से रोका जा सकता है। इस प्रकार कथन ए और तीन सही है, जबकि कथन दो सही नहीं है। अब अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। तो इसका उत्तर है पीडब्ल्यूपी सिंचाई। पीडब्ल्यूपी सिंचाई जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई को इंगित करती है। परमानेंट ब्लीटिंग
पॉइंट मिट्टी में पानी की न्यूनतम मात्रा को इंगित करता है, जिसके अभाव में पौधे मुरझाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सिंचाई अति आवश्यक हो जाती है। अब अगला प्रश्न है, गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है, तो इसका उत्तर है सरयू पार मैदान में नहरों का अभाव पाए जाने के कारण नलकूपों द्वारा इस क्षेत्र में सिंचाई का कार्य किया जाता है, अतः अविश उत्तर विकल्प सी है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। दिए गए राज्यों में से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से 70.8% द्वारा होती है, इसके बाद बिहार में होती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। आंकड़ा आपको यहां दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है, तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में लगभग 83.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र नलकूप एवं कूप से सिंचित किया जाता है, जो भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का 28.19% है। इसके बाद राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि आते हैं। अब आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 अंकों से दिखाई गए भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूजल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है। आपको बतलाना है कि 1, 2, 3 और 4 में क्या है, तो इसका उत्तर है डी, अर्थात सबसे पहले 4, उसके बाद 3, फिर 2 और 1, यह है अवरोही क्रम। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्रश्नगत मानचित्र में दिए गए राज्यों में सिंचाई के लिए उपलब्ध वार्षिक भूतल जल संसाधनों का राज्यवार विवरण आप यहां देख सकते हैं, और अतः अवरोही क्रम उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल और लास्ट में असम अनुक्रम में होगा। अब अगला प्रश्न है, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया था, तो इसका उत्तर है 300 जे दस्तूर ने। माला नहर तंत्र को कैप्टन 300 जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था, जबकि नदी जोड़ने का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वरमैया ने दिया था। बाद में केएल राव का नाम भी इससे जुड़ गया। तब जल संसाधन मंत्रालय ने इन दोनों को ही अस्वीकृति कर दिया था। अब अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो इसका उत्तर है सर आर्थर कॉटन को। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों के सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय कार्य किया है, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है, तो इसका उत्तर है लघु परियोजनाओं से। लघु सिंचाई परियोजना, इसके तहत 2000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसमें कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल, एनीकेट आदि शामिल किए जाते हैं। भारत की सिंचाई की 62% से अधिक की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजना से होती है। अब अगला प्रश्न है, फरक्का की नहर की जलवहन क्षमता है, तो इसका उत्तर है 40,000 क्यूसेक। फरक्का बैराज का निर्माण वर्ष 1975 में हुगली नदी में सिल्ट के जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। इस बैराज के दाएं किनारे से निकाली गई नहर द्वारा गंगा नदी के 40,000 क्यूसेक जल को हुगली नदी की ओर मोड़ दिया गया, यही इसकी जल वहन क्षमता होगी। अब अगला प्रश्न है, मंगलम सिंचाई परियोजना है, तो इसका उत्तर है केरल में। केरल के पलक्कड़ जिले में चेरुकुन्नम पूझा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। यह परियोजना वर्ष 1966 में पूरी हुई।
चेरू कुन्नम नदी मंगलम की सहायक एवं भरत पूजा की उप सहायक नदी है। अब अगला प्रश्न है, सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो इसका उत्तर है गंडक से। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई है, जिनमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है। अब अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, तो इसका उत्तर है हरी के बैराज। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरी के बैराज के निकट से व्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। मुख्य नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। अब अगला प्रश्न है, हरी के बैराज निम्न में से किन नदियों के संगम पर है, तो इसका उत्तर है ब्यास और सतलज। अगला प्रश्न है, राजस्थान इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है, तो इसका उत्तर है बी और सी दोनों, अर्थात व्यास और सतलज दोनों से। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है, तो इसका उत्तर है सतलज नदी पर हरी के बैराज से। अब अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है, तो इसका उत्तर है एक और चार, अर्थात ब्यास और सतलज थे। तो आइए चलते हैं, किस ऑप्शन में यह है, तो इसका उत्तर है डी, अर्थात एक तीन और चार, अर्थात इंदिरा गांधी नहर सतलज ब्यास और रावी नदी से जल प्राप्त करती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है, तो इसका उत्तर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु में नियमित जलापूर्ति बनाए रखने के लिए व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है, तो इसका उत्तर है गंग नहर। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंग नहर है। इसका निर्माण वर्ष 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंग सिंह ने कराया था। यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। अब अगला प्रश्न है, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंग सिंह जी ने करवाया, तो इसका उत्तर है 1927 में। अगला प्रश्न है, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है, लक्ष्यों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, तो इसका उत्तर है डी, अर्थात सभी, अर्थात कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहु फसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना और तीसरा भू प्रबंधन का सुधार। उत्तर प्रदेश की मुख्य वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा नहर प्रणालियों से सृजित सिंचन क्षमता का वैज्ञानिक ढंग से शीघ्र एवं अधिकतम उपयोग करके बहुफसली खेती और भू प्रबंधन के सुधार के माध्यम से कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करके क्षेत्र का समन्वित विकास करने के उद्देश्य से तीन समादेश क्षेत्र विकास परियोजना, पहला शारदा सहायक, दूसरा रामगंगा, तीसरा गंडक का सृजन वर्ष 1973 से 74 में किया गया था। इस प्रकार प्रश्न में दिए गए तीनों कथन सत्य हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है, तो इसका उत्तर है घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर में घग्गर नदी के जल का उपयोग नहीं किया जाता है, अतः कथन एक गलत है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिमी भाग से होता है। यह विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, अरब सागर में मिल जाती है, अतः कथन बी
सही है। निजाम सागर बांध का निर्माण गोदावरी की सहायक मजीरा नदी पर तेलंगाना राज्य के कमारेड्डी जिले में किया गया है, अतः कथन सी सही है। गोदावरी नदी की मुख्य सहायक नदियाँ मांजीरा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी एवं ताल आदि है। अब अगला प्रश्न है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, तो इसका उत्तर है नरौरा में। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा में है। इसका निर्माण कार्य 1878 ईस्वी में पूरा हुआ था। मुख्य नहर की लंबाई 100 किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, तो इसका उत्तर है त्रिवेणी नहर। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह नहर चंदन सिंचाई परियोजना से संबंधित है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाली एक नई योजना है, तो इसका उत्तर है बंजर भूमि के विकास के लिए। हरियाली योजना बंजर भूमि के विकास के लिए जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना है। अब अगला प्रश्न है, हरियाली योजना संबंधित है, तो इसका उत्तर है जल प्रबंधन से। अगला प्रश्न है, एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के क्या लाभ हैं, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसका उत्तर सी अर्थात केवल 1, 3 और 4, अर्थात मृदा के बह जाने को रोकथाम, दूसरा वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण, और तीसरा प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन। 1 अप्रैल 2008 तक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 3 वाटरशेड विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए। ये कार्यक्रम है समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम। 1 अप्रैल 2008 के बाद से इन कार्यक्रमों को एक व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया, जिसे समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मृदा जल और वनस्पति जैसे अवक्रमित प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना है। इसके परिणाम स्वरूप मृदा ह्रास पर रोक लगाती है, प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्सृजन होता है, वर्षा जल एकत्रीकरण होता है तथा भूजल स्तर का संभरण होता है। अतः स्पष्ट है कि कथन 2 इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लाभों में शामिल नहीं है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, तो इसका उत्तर है डी अर्थात इनमें से कोई सही सुमेलित नहीं है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम और इंटीग्रेटेड वेस्ट लैंड्स डेवलपमेंट प्रोग्राम तीनों ही भूमि संसाधन विभाग द्वारा चलाया जा रहा प्रोग्राम है, जिन्हें फरवरी 2009 से एक परिवर्तित कार्यक्रम इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक विभाग है। वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना कृषि एवं सहकारिता विभाग का कार्यालय है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से द्रप्स अर्थात ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग का लाभ है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसका उत्तर है सी अर्थात केवल 1 और 3 अर्थात खरपतवार में कमी और 3 मृदा अपरदन में कमी। केंद्रीय जल आयोग ने भारत में ड्रिप सिंचाई पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट में इसके निम्न लाभों या हानियों का उल्लेख किया है। लाभ के अंतर्गत जल बचत, पौधों के आकार एवं उत्पादकता में वृद्धि, ऊर्जा एवं श्रम बचत, कम उपजाऊ मृदा के लिए उपयुक्त खारे पानी का उपयोग संभव, खरपतवार की वृद्धि पर नियंत्रण,
उर्वरक क्षमता में वृद्धि, मृदा अपरदन नहीं, भूमि तैयार की जरूरत नहीं, रोग एवं कीट समस्याएं न्यूनतम। जबकि इसकी हानियां हैं, मृदा में लवणता समस्याओं में वृद्धि, डिजाइन स्थापन एवं उत्तरवर्ती संचालन में उच्च कौशल की जरूरत। तीसरा, आर्थिक एवं तकनीकी सीमाएं। स्पष्ट है कि विकल्पों में प्रदत्त एक एवं तीन ड्रिप सिंचाई के लाभ है, जबकि इससे मृदा में लवणता की कमी नहीं होती, अतः विकल्प सी अविष्ट उत्तर होगा। और अगला प्रश्न है, बंकिंगहम नहर स्थित है, तो इसका उत्तर है कोरोमंडल तट पर। बंकिंगहम नहर कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।